महाभारत की कहानी सभी को काफी पसंद आती है। सभी को पता है कि अधर्म पर धर्म की जीत पाने के लिए महायुद्ध हुआ था, जहां दुर्योधन जैसे अधर्मी और अहंकारी को धर्म का पाठ सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने ये महाभारत का युद्ध छेड़ा था। तो वहीं इस महाभारत के युद्ध से पहले क्या क्या हुआ, ये सब आपको जल्दी ही अब बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहां आपको बॉलीवुड के सुपरहिट कलाकार महाभारत के किरदारों में नजर आने वाले हैं। बता दें कि साउथ के सुपरहिट डायरेक्टर SS राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का नाम होने वाला है महाभारत और खबरें हैं कि फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर ही रिलीज की जा सकती है। तो वहीं ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही फिल्म के स्टार कास्ट के नाम भी रिवील कर दिए गए हैं। दोस्तों इस फिल्म में आपको बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में देवकी की आठवीं संतान यानी कि श्री कृष्ण का किरदार बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान निभाएंगे। बता दें कि श्री कृष्ण ने अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में गीता उपदेश भी दिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार भी थे। इस फिल्म में शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। ये किरदार एक्टर कमल हसन निभाएंगे। वह हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप के पुत्र हैं। उनका विवाह गंगा से हुआ था। फिल्म में गंगा का किरदार बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री और बच्चन परिवार की बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन निभाते हुए नजर आएंगी। तो वहीं महाभारत के एक और प्रमुख पात्र भीष्म का किरदार इस फिल्म में सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन निभाते हुए नजर आएंगे। कौरवों में ज्येष्ठ, धृतराष्ट्र और गांधार के 100 पुत्रों में सबसे बड़े दुर्योधन, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, इस फिल्म में दुर्योधन का किरदार निभाएंगे अजय देवगन। तो वहीं उनके छोटे भाई यानी कि दुशासन का किरदार निभाएंगे अभिषेक बच्चन, जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। इस फिल्म में सूर्यदेव और कुंती के पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण का किरदार ऋतिक रोशन निभाते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कर्ण ने ना चाहते हुए भी दुर्योधन का हर गलत और अधर्मी कार्य में साथ दिया था, जिस वजह से महाभारत में उनकी मृत्यु उनके ही भाई अर्जुन के हाथों हुई। तो वहीं इस फिल्म में अर्जुन का मुख्य किरदार निभाएंगे एक्टर फरहान अख्तर, जो महाभारत के धर्म स्थापना के काम में श्री कृष्ण के साथी भी बने और द्रौपदी का स्वयंवर जीत कर उनसे शादी भी की। बता दें कि इस फिल्म में द्रौपदी और पांचाली का मुख्य किरदार बॉलीवुड की लीडिंग लेडी यानी कि दीपिका पादुकोण निभाती हुई नजर आएंगी। तो वहीं द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनेगी, जिसमें कि सबसे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर किरदार निभाएंगे अर्जुन रामपाल। पांडवों के दूसरे भाई भीम का किरदार निभाएंगे बाहुबली सेनाथ और प्रभास। तो वहीं नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। बता दें कि फिल्म में नकुल का किरदार विदुर जामवाल निभाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सहदेव का किरदार निभाने वाले हैं बॉलीवुड की लीजिंग लेडी दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह। और इन सभी में एक और मुख्य किरदार है जो कुटिल बुद्धि है और हमेशा दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर ही चलने को मजबूर करता है, यानी कि दुर्योधन के मामा शकुनी, जिनका किरदार निभाएंगे एक्टर गुलशन ग्रोवर। वेल, इसके अलावा भी खबरें हैं कि इस फिल्म में एक्ट्रेस रेखा, एक्टर रजनीकांत और एक्ट्रेस विद्या बालन जैसे और भी कई मशहूर कलाकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें कि यह फिल्म दिवाली तक रिलीज होने वाली है। वेल दोस्तों, आपको फिल्म महाभारत का ये ट्रेलर कैसा लगा और महाभारत के इस मल्टी स्टार कास्ट के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट और मशहूर कलाकार होने के बाद ये फिल्म सुपरहिट साबित हो पाएगी या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, आपने महाभारत पर कई टीवी सीरियल्स देखे होंगे, तो